हैं सर, हम पहुंच गए हैं शिकेब की कॉलोनी के अंदर। शिकेब साहब को पिक करते हैं, उसकी कॉलोनी में पहुंच गए। और आते आते इतनी कोई मट्टी थी ना, आपकी सोच है हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला कि मिट्टी नहीं मुकती। अच्छा खासा चिट्टा सूट पहन गया था, उन जाने आने तो मिट्टी वाला हो गया कलर। इस साइड पर एक ग्रुप है, उस साइड पर दूसरा ग्रुप है। वो कह रहा है मैं तुझे मुँह पर मारूंगा, वो कहता है तू मार। फिर वो कहता है मैं तेरे टांग मारूंगा, वो कहता है भाई तू मार। अब वो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास दो बंदों के पास चार बॉल्स हैं और एक बंदे के पास एक भी नहीं है। अब वो चुपके ज़रा साइड पे हो गया ताकि मैं अंदर हूँ, वो अंदर वो ना। अब ये इसकी छोटी सी बहन निकली जिसके पास बॉल है, कह रही है चलो हम दोनों खेलते हैं। ये टाइम हमने भी गुजारा हुआ है। बट द थिंग इज़ कि जितना कटोकटी में होके आया हूँ ना, आप लोग बिलीव करें व्हाइट शर्ट पहन के आया था, टोटल वो जो आपको होता है ना मट्टी वाला रंग होता है उस कलर की होगी। पता लग रहा है कि मैली होगी शर्ट सिर्फ इसके घर तक आने तक। मतलब इस तरह रोड बनाया हुआ है माशाल्लाह, इतना अच्छा रोड है। हमारी वहाँ भी ऐसी है जो प्रॉपर रोड है वहाँ से नहीं गुजरती, नीचे से गुजरती है ताकि ना मट्टी उड़े। और गाड़ी वाले से खासतौर पर मट्टी उड़ा के जाते हैं, उनका तो फर्ज बनता है मट्टी उड़ाना। वो फिर आपके भाई पर डली है तो अच्छा खासा फ्रेश आता दोबारा, यू नो मट्टी वाला हो गया। तो ऐसा भाई नहीं आ रहे, दो मिनट का कह गए, तकरीबन चार मिनट होने को है भाई रहते, तो उसको लेके अब वक्त निकलना। शट अप भाई को, शट अप करवा दिया। दो मिनट का कह गया था अंदर, आया तू मुझे भाई साहब, तू 15 मिनट का, तू 15 मिनट बाद भाई रहे तुझे। हाँ ठीक है, मान लिया, लेकिन तू अगर 10 मिनट का, तू 10 मिनट तक रेडी हो गया था तो फिर तुझे अब आते हुए क्यों टाइम लग गया? 15 मिनट लगा दिए। बात कर, क्यों काम बढ़ जाएगा? तो फिर ये तो कहना कि 10 मिनट का तू लेट क्यों है, तू अपने काम की वजह से लेट हुआ है। यार आप लोग हमारी बकवास, यार ये इसका यही मसला है, ये सिर्फ फजूल में बकवास करता है। कोई इसको सिर्फ एक्सक्यूज आते हैं और हर जगह इसका यही मैटर है, जहाँ बात करो वहाँ एक्सक्यूज देगा। जो बंदा 2 मिनट का कह के 15 मिनट बाद घर से बाहर निकले, इतनी शर्म नहीं आती? बाहर मुझे खड़ा किया हुआ था, चबल खाना हो। जा रहे हैं आगे। चौधरी को इतना चलता है ऐसे, यार इतनी टांगे फैला के क्यों जा रहा है ब्रो? सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है? माशाल्लाह ले सर भाई का। यार ये तेरी चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझको, ये भी खूबसूरत है ब्रो, ये भी खूबसूरत है। नाइस ब्रो, नाइस, वेरी नाइस। ले जी, भाई ने नया ड्राइंग रूम कंस्ट्रक्ट किया है बैठक के लिए, ये स्पेसिफिकली चीज़ बनाई है भाई ने, सिर्फ बैठक बनाई है ताकि ना जो भी अंदर है उसको अच्छा से अपने दोस्तों के लिए खूबसूरत चीज़ बनवाई है। ये बैठकदार काइंड ऑफ इंसान है और अब ये इंजॉय तलब कर रहे हैं, उसका नाड़ा नजर आ रहा है। मौलाना सूफी साहब बैठे हुए हैं, घर से भी फोन आ गया था कि चौधरी साहब कहाँ पे हैं। फिर हमने कहा कि यार अभी ना रात एक मीटिंग आपको कहता करनी है आपको, उसके बाद वीडियो नहीं में आ सका। उसका रीजन ये था क्योंकि ना बड़ी जरूरी मीटिंग है, पहले नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि यू नो हमारी ऐसी नेचर है, हम कोई काम करने लगे स्टार्ट करने लगे उससे पहले बता देना तो वो होता नहीं है। ऐसा ही है, हम ये वाला काम बताएंगे, हमने बताना ही नहीं है जब तक हम उसमें सक्सेस ना लेंगे। नहीं, वो सक्सेस होने के बाद भी नहीं बताना। हमने बताना ही नहीं, भाई ने मना कर दिया। सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं। अभी सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं, इस टाइम मुझे कुछ और नहीं सूझी तो मैंने कहा यार कहाँ चलते हैं। ऑब्वियस बात है, आपको पता है वन एंड ओनली KFC वाले, मुझे लगता है इनको मुझे ना स्पॉन्सर अप कर देना चाहिए जितना KFC बजा चुका हूँ। अंदर इंटर मारेंगे, इधर कोई शायद बात की मेरे पास नहीं है, तेरे पास होगी, तुझे पता होगा। आज ये खिला रहे हैं तो इसलिए वो स्लो आ रहा। चौधरी चल पाए यार, इन्हें एक्टिंग ना करा कर। ओके अच्छा, हम अब पैसे तो बता कैसे पूरे कर। अब ना भाई के पास दो अकाउंट में लेने पैसे हैं तो थोड़ी गुड़बत चल रही है, हालांकि महीने का स्टार्ट है, सैलियाँ लेट आती है ना, तो अभी वो एक अकाउंट में करेगा ताकि अंदर जाके निकाती ना। यो ब्रो अंदर तो रश बहुत ज़्यादा है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। टोटल पैक है, उस साइड पे दिखा नहीं सकता, यू नो फिर लेडीज़ और फीमेल्स बैठी हुई हैं, टोटल पैको पैक काम चल रहा है। मैं तकरीबन पिछले 5 मिनट से लाइन में खड़ा हूँ, अभी आपके भाई के बारी आने वाली, फिर जाके करवाते हैं। वो आप लोगों को नजर आएगा एक्सट्रीम ड्यू बॉक्स, वो वाला करवाएंगे। भाई का रोल ही खत्म हो गया, अब भाई वो लेने गए हैं। नहीं सर, रोल आ गया, अब जल्दी से भाई रोल डाल लेंगे और फिर हमें हमारा ऑर्डर दे देंगे। कब से स्टार्ट किया ये वाला सिस्टम? आपको खुद सर्व कर जाएंगे, बस ये कार्ड ले जाना है, इसका यही करना है, नंबर दे गए और खुद सर्व हो जाएगा। सॉरी ठीक है, ठीक है, आपको ऑर्डर खुद सर्व हो जाएगा। नहीं सर, ये अब मैकडॉनल्ड्स वाला काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आपको खुद ही आके सर्व कर देंगे, आपको कुछ दे दिया जाएगा। नहीं जी, हमारा नंबर है, ये टेबल नंबर है या क्या है? ये टेबल नंबर है, ये वैसे ही रखा हुआ है, ओके 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 ओके। नहीं सर, अब मेरे पास ये होगा और मेरे पास मेरी स्लिप हो जाएगी तो वो जो यहाँ पे है स्टाफ है खुद ब खुद आके मुझे सर्व कर जाएगा। नहीं जी, लेट्स गो। ये भाई साहब है ना, खाते हुए बिल्कुल किसी से नहीं बोलते, ऐसा ही है खाना जब आ जाए फिर ये फिर बोलना बनता ही नहीं है, फिर बस हम सिर्फ खाएंगे। अभी हम जल्दी से इसको डिगिन करते हैं भाई से, जिन्हें वो इन पाड़ी जाना मरे ठंडी हो जानी है, इसको जल्दी से डिगिन करते हैं, इसको फिनिशअप करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। चाय चाय पीनी है कि नहीं पीनी? चले अभी इसको खाते हैं थोड़ा।
ये एक आधा ही आना। मैं ऐसे कह रहा था कि बाहर आएगा तो शोर बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन नो डाउट शोर है, ऐसा नहीं है। अंदर कुछ ज्यादा ही ज्यादा शोर था, बाहर आके थोड़ा सा कंफर्ट फील किया है। अभी बाहर थोड़ा एंजॉय द लाइफ करते हैं, इसको खाते हैं, उसके बाद भी निकलते हैं, समेट के जाया करें, ये अच्छी आदत पकड़े। हाँ भाई, चौधरी फुल हुआ है, निकले घर को। यार वो अंदर अभी जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, वो लौंडा घर से फोन आ गया था कि जो हमारे आपके ना छोटे छोटे भतीजे भांजे उनके लिए ना नूडल लेके हैं, सुबह स्कूल में हमने नूडल बना के देने। वही वाले भांजे, वही वाला भांजे जो सुबह मैं आपको बता रहा था कि आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि आप ये मुझे दे दो और आप मुझे ये दे दो, वो जो स्टार्ट में वीडियो में आपको दिखाया, तो उन्हीं की फरमाइश पे पीछे से फोन आ गया कि मामू सॉरी पीछे फोन आ गया कि चाचू हमें ना नूडल्स दें, हमने सुबह खाने के अंदर मतलब लंच में नूडल लेके जाने। तो भाई साहब अब उनके लिए जाके नूडल पूरा बड़ा पैकेट लेके जा रहा है, वो जो बिग पैकेट होता है ना, मुझे लगा एक आधा ले जाएगा, मतलब चाचा दिल वाला है, बिग पैकेट नूडल लेके जाएगा। मैंने बटुआ डाल दिया अंदर ताकि मुझे नजर ना आ जाए, पैसा बहुत है ना, भाई ने मेरी बात भी सुन ली है, अब नूडल भी छुपा लेगा, उसको डबल गांड लगा ली उसने। अब कोई बाहर बंदा भाई साहब ना बाहर खड़े हुए भाई ना वो भाई साहब ना भाई साहब कमाल कर गए हैं, मैं तब से देख रहा था भाई साहब बाहर खड़े होकर मुझे सही कर रहे हैं, दाढ़ी सही कर रहे हैं, ताकि कहें तो जब जाना तो दोबारा सही आ जाएगा, बंद के मैं चल बंद कर, नहीं मैं क्यों बंद करूं, मैंने तब से स्टक रखा था, चले भाई घर जोड़ते हैं सर। ओके 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 ले सर, भाई साहब हो गए फारग और भाई को छोड़ दिया घर, बैठे हुए थे कुछ लॉन्ग डिस्कशन कर रहे थे, यू नो फिर जब आप छोड़ दो किसी ऐसे फ्रेंड को तो बेचारे की अपने दुख कहानियां दुखड़े सुनने भी होते हैं, वो भी सुनना था, खैर दुखड़े तो नहीं शुक्र लगा रहा हूँ, हम कुछ लॉन्ग डिस्कशन कर रहे थे वो किया। कभी यार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप ऐसे अपने दोस्त को ड्रॉप करने जाओ, वैसे ये काम ज्यादातर खवातीन में होते हैं कि जब ऐसे ड्रॉप शॉप वगैरह मारने जाते हो ना, या खासतौर पे आपको पता है खवातीन क्या करती है कि जब जाना हो ना घर में कोई ऐसे रिलेटिव आया कुछ आया हो, जब जाना हो तो गेट पे खड़े खड़े आधे आधे घंटे लगाती हैं, इनकी बातें तब भी खत्म नहीं होती, सलामुअलैकुम इनकी बातें खत्म नहीं हो रही होती। लेकिन द थिंग इज के हम भी ऐसे खड़े थे, कोई एक दो इम्पोर्टेंट बात करने लगा तो वो बातचीत की है, उसके बाद फिर अब ये है कि हम निकल रहे हैं, मैं कुछ ड्रॉप करके निकल रहा हूँ घर को, पीछे पुलिस वाले अंकल खड़े हुए थे, वो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, मुझे देख रहे थे कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मुझे अगर मैं उनके साथ देखता हूँ तो कहता पुत्र शहर से लाला गड़ी, तो द थिंग इज मैंने उनको देख इग्नोर कर दिया। बहरहाल ये आज का था सारा सेटअप, वो इसको सुकून चाहिए था, मुझे थोड़ा पीस चाहिए था, तो हम जाके बैठ पीसफुल जगह पे बैठ गए और थोड़ा इन्जॉय किया। नहीं जी आज तो हमने इन्जॉय द लाइफ कर लिया, कल का अल्लाह को पता है कि कल इन्जॉय द लाइफ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और आगे आगे बहुत सारा खड्डे। तो अभी आपका भाई निकल रहा है घर को, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप पे बहुत ज्यादा मस्ट है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जितना आप अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं बस ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें, आपको अच्छा कंटेंट मजीद देता रहूंगा। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।